Hi guys, welcome back to a new beautiful tag match here. बाकी यहाँ पे धूप बहुत तेज है, मौसम बड़ा बढ़िया है, रिकॉर्डिंग गार्डन हो गया, मैं बस किसी के बीच खड़ा हूँ। पार्किंग की लोकेशन मिल गई, हमने गाड़ी लगा दी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सारे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम अभी हैं मनाली में और हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं स्विफ्ट में, क्योंकि घर में मेरे को टाइम नहीं लगा व्लॉग शुरू करने का, जल्दी जल्दी में हम निकल गए। फिर बीच में हमने थोड़ी सी ड्राइव भी की, अभी प्रणब भाई साथ में ड्राइव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेला हो गया, मतलब व्लॉग शुरू कर देते हैं यहाँ से। तो आज का ये सीन है कि आज हम जा रहे हैं हमटा और अभी हम मनाली में, अभी बस जा रहे हैं। मेरे साथ प्रणव भैया और शुभ है जो आ रहा है, अभी कुछ सामान लेने गया है बाहर। शुभ भाई भी आ चुके हैं ड्राइविंग सीट पे, प्रणव भाई चले गए पीछे, सामान हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं हमटा की तरफ। तुसी कट लुटिया करो सामान, सामान तुसी कट लुटिया करो, ओए पुलिस आ गई पुलिस। सो गाइस, हम अभी चल रहे हैं हमटा वाले रास्ते में, हम जा रहे हैं हमटा पास की तरफ, पर गाड़ी के अंदर मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी, सिर दर्द भी हो रही थी, तो मैं गाड़ी के अंदर शूट नहीं कर रहा हूँ। अभी हम थोड़ा सा रुक के हैं अभी फोटो वगैरह लेने के लिए, तो लोकेशन दिखाता हूँ मैं आपको कैसी है, और व्यू देखो क्या ही मस्त व्यू है यहाँ पे। तो थोड़ी बहुत फोटोग्राफी हम भी कर लेते हैं, तो मतलब इंस्टाग्राम में डालने के लिए हो जाएगा थोड़ा सा कंटेंट हमारे पास भी। और अगर जिसको नहीं पता तो मेरे को आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी यहाँ पे धूप बहुत तेज है, मौसम बड़ा बढ़िया है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अच्छा तो गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा रोड है खराब और हम चले हुए हैं, तो हम तो सीट बेल्ट लगाए सेफ्टी के लिए, बाइक की सेफ्टी देख सकते हैं आप पीछे, काफी तगड़ी सेफ्टी लेके बैठा हूँ, दोनों साइड बकरा है हाथ, फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग लगी हुई है पीछे। स्विफ्ट वैसे आती 2 स्टार है, पर हमने 5 स्टार दे दिए पीछे, और तो सीट बेल्ट के सारे चले हुए हैं। बाकी रोड काफी खराब है, रोड मतलब कि कौन सा रोड ही नहीं है, ऑफ रोड है। और आपको मैं रोड भी दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे तो अभी मार लेने आए सी है ऑफ रोडिंग वाली बाइक के या एसयूवी लेके आओ, तब ये फायदा आगे मतलब हमारे को थोड़े झटके ज्यादा महसूस हो रहे हैं ना। बाकी तो भाई हमारे पास एक्सपर्ट ड्राइवर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्सपर्ट ड्राइवर हैवी ड्राइवर अपने प्रणब भाई, आप बोलेंगे कुछ? ऑलवेज वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। आपके पास तो सीट बेल्ट ही नहीं है, आपके पास तो सीट बेल्ट ही नहीं पीछे, ये हैंडल्स यूज कर सकते हैं आप अगर ऐसे ड्राइवर चला रहे हो और रास्ता ऐसा हो, तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो गाइस, हम कुछ ऐसे फोटो ले रहे हैं, इस पत्थर पे चढ़े हम अभी स्पाइडरमैन की तरह, थोड़ा डर लग रहा था ऊपर जाके। बाकी अब हम मेरी उतरती हुई वीडियो तो नहीं बनाई, ना चढ़ते हुए बनाई, बाकी भाई की बनाई है, वो देख सकते हैं आप कैसे उतरे गए। काफ़ी स्टीप है, आपको कैमरे में जस्टिस नहीं होगा इतना, पर काफ़ी ज़्यादा नीचे को ऐसा लग रहा है कि स्लाइड होकर नीचे गिर जाएंगे। भाई वीडियो बनाने में व्यस्त है अभी, ऐसे ऐसे स्पाइडरमैन की तरह चढ़ के हमारे को ऊपर भी जाना पड़ा और नीचे भी आना पड़ा। सो गाइस, फोटो शूट हमारा हो चुका है, थोड़ा सा रिस्क लेके, बाकी ऐसे ऐसे एडवेंचर आपको भी और करते रहना चाहिए, हम तो कर ही रहे हैं क्योंकि हम कभी कभी घर से बाहर आते हैं। क्यों तू आता है कभी कभी? हाँ, मैं कभी कभी घर से बाहर आता हूँ, तो ऐसे ऐसे एडवेंचर करते रहना चाहिए, मैंने कर लिया, अब आप भी कर लेना। बाकी अब हम आगे जा रहे हैं, अब हम आगे जाएंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे अब हम कहाँ जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं हमटा, तो काफ़ी टाइम लगा नीचे से आते आते, और बस वर्थ इट था पुराना। और अभी हम हमटा पहुंच चुके हैं प्रॉपर, तो अभी मैं बर्फ़ के बीचों बीच खड़ा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे व्यू भी बहुत तगड़ा है, आपको भी दिखाऊंगा मैं अभी। और बाकी मेरे दोस्त लोग अभी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत तगड़ा है, मतलब आप आओगे तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका, काफ़ी ऑफ रोड भी है नीचे, एडवेंचर भी हो जाएगा और व्यू भी बहुत अच्छा है। आपको मैं व्यू चेकआउट कराता हूँ एक बार।
गाइज वो देख सकते हैं आप सामने, वहाँ पे एक वाटरफॉल है और यहाँ पे एक वाटरफॉल है जो वहाँ से आ रहा है, और अभी हम बर्फ के बीचों बीच है। यहाँ पे बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है, खेल भी सकते हैं बर्फ में। मेरे दोस्त भी फोटोज वगैरह ले रहे हैं, और व्यू देखो गाइज क्या ही खतरनाक व्यू, मतलब काफी सीनिक और अच्छा जिसको बोलते हैं। बाकी शांति बहुत है यहाँ पे, तीन तीन वाटरफॉल है यहाँ पे, और शुभ भाई आ चुके हैं, वो रहे हमारा व्लॉग बनाएंगे, तो बढ़ा लो भाई। हम व्लॉग बना रहे हैं और हम ऋषि भाई से गाइस हम बैठे हैं एक छोटे से, क्या बोल सकते हैं उसको, ढाबे पे। तो हमने अभी चाय ऑर्डर की है, चाय आ रही है। बाकी हम वहाँ से नीचे आ गए हैं, यहाँ पे बहुत ठंड है इसलिए हम यहाँ पे आग भी सेक रहे हैं थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, ये थोड़ा सा इशू है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। बाकी शुभ भाई गया था गाड़ी लाने, वो गाड़ी लेके आ गए, और हमारी चाय भी आ रही होगी तो चाय पीते हैं फिर चलते हैं मनाली की तरफ। सो गाइस हम पैक से वापस जा रहे हैं मनाली की तरफ, और हम अभी पहुँचे हैं सेठन विलेज, तो आपको दिखाता हूँ। मेरा गाइस अपना सेठन विलेज, काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी हम थोड़ी से ये है गाइस, काफी सुंदर जगह है, और देख ही सकते हो आप अंकल हमारे को देख रहे हैं ब्लॉगिंग करते हुए। अभी हम मनाली जा रहे हैं और मिलते हैं आपको वहाँ पे, कुछ खाएंगे और फिर देखेंगे क्या बनता है, उसके बाद हम घर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो गाइस हम काफ़ी अच्छा खासा ऑफ रोड कर रहे हैं अपनी स्विफ्ट के साथ, हमारे आगे जिप्सी चली है, और यहाँ देखो क्या ही सुंदर व्यू है, और शाम हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी ओल्ड मनाली, और हम ढूंढ रहे हैं एक जगह कोई खाने पीने के लिए और पार्किंग के लिए। पहले हम पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, फिर हम कुछ खाने पीने जाएंगे किसी जगह में अच्छी सी, बाकी देखते हैं। बाकी तो सही सीन है, बस पार्किंग नहीं मिल रही है यहाँ पे ऊपर। हम ऊपर की तरफ गए थे पर ऊपर हमारे को पार्किंग नहीं मिली, इसलिए हम नीचे की तरफ वापस जा रहे हैं गाड़ी मोड़ के। अब पार्किंग जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे होगी अगली बात, पहले गाड़ी लगाएंगे फिर कुछ खाएंगे। सो गाइस थोड़ी देर की मेहनत के बाद हमारे को फाइनली पार्किंग की लोकेशन मिल गई, हमने गाड़ी लगा दी है, अब हम जा रहे हैं ऊपर। अभी हम घूम रहे हैं ओल्ड मनाली, और बस देखते हैं, अब ओल्ड मनाली घूमते हैं किसी कैफे में, देखते हैं कुछ खाने के लिए अच्छा सा मिलेगा तो, बाकी सब कुछ बढ़िया है। सो गाइस हम आ चुके हैं लेजी डॉग कैफे ओल्ड मनाली, तो यहाँ पे लाइटिंग और व्यू कुछ ऐसा है जो काफ़ी अच्छा है, तो थोड़ी बहुत फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं यहाँ पे, हम भी लेंगे और देखते हैं बाकी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। ये बाबूराव का स्टाइल है। सो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, अभी हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं, आज का दिन काफी अच्छा रहा, और बस अभी हम मनाली से निकल चुके हैं, अभी हम रंगड़ी में तो घर जाते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक करना, और कोई सजेशन होगी तो कमेंट करना, बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मार के जाना। बाकी मिलते हैं आपको किसी और बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।